हाउ टू गेट रिच पॉडकास्ट समरी पार्ट टू दोस्तों, नवल रविकांत जी, जिन्हें नहीं पता बता दूं, एंजलिस्ट के सीईओ है, कोफाउंडर है, नेटवर्थ है 100 मिलियन डॉलर प्लस की, इंडियन ओरिजिन के। पार्ट वन नहीं देखा तो आप पार्ट वन देख सकते हो। यहाँ पे दो ही पार्ट में आपको पूरा एक शब्द ले लीजिए पॉडकास्ट का कंक्लूजन मिल जाएगा। चलिए पार्ट टू में यहाँ पे जो नवल रविकांत जी ने पॉडकास्ट दिया है, नवल रविकांत जी ने हाउ टू गेट रिच एक ही पॉडकास्ट दिया है अमीर बनने पे, पांच कोट निकल के आया, पांच कंक्लूजन निकल के आया, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द टू काइंड्स ऑफ पीपल, दोस हु वांट मनी एंड दोस हु वांट स्टेटस। वापस रिपीट कर रहा हूं, द टू काइंड्स ऑफ पीपल, दोस हु वांट मनी एंड दोस हु वांट स्टेटस। दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो पैसा चाहते हैं और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो स्टेटस चाहते हैं। इसकी दोस्तों गहराई में जाओगे ना तो ये चीज़ें बचपन से ही शुरू हो जाती है। बचपन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब कभी भी आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी ना, जब कभी भी स्कूल में पढ़ाई की होगी, देखना आप दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं जो टीचर के आसपास रहना पसंद करते, यानी कि टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बनना चाहते। टीचर के साथ एक हिसाब से कह लीजिए, मैं आपको क्या बताऊँ कि चुगलीखोर बच्चे कह सकते हैं, टीचर की नज़रों में अच्छा बनने वाला बच्चा, टीचर की नजरों में उभरने वाला बच्चा, टीचर उन्हें मॉनिटर बनाती थी, ये वो। तो ये कैसा हो गया दोस्तों, ये एक स्टेटस वाली गेम होगी। दो टाइप के बच्चे होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं जो टीचर की चुगली करते हैं, टीचर के साथ अच्छा रखना चाहते हैं। ये कॉलेजेस में भी बहुत होता है कि प्रोफेसर के साथ क्या होता है कि हमारी अच्छी बनती है, ऐसा होता है ना, प्रोफेसर के साथ हम अच्छी बना के रखते हैं, क्योंकि हमारे पीछे का पर्पज क्या होता है कि हम प्रोफेसर की नज़र में अच्छे दिखने चाहिए, हमारा मार्क अच्छे है कि ये वो, अच्छी अच्छी बना के रखो। तो ये जो अच्छी अच्छी बना के रखने की बात है ना बॉस, स्टेटस की बात है कि हम क्या चाहते हैं, स्टेटस चाहते हैं कि किसी की नजरों में अच्छे हो जाए। दूसरे टाइप के बच्चे भी हो गए, देख लेना कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर से, उनमें से एक मैं भी था। कभी सामने से टीचर को बुलाएंगे नहीं, बिन मतलब की बात नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, नई नई चीजों के बारे में रीड करना पसंद करेंगे, कोई ज्यादा वो दिखाएंगे नहीं, यानी कि अपना एक दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो क्लास में मॉनिटर बन के रहता है, एक होता है दोस्तों जिसका स्कूल के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होता है, नाम लिखा जाता है मॉनिटर के द्वारा, सबसे शैतान बच्चा। और लाइफ में दोस्तों खास करके जो शैतानी वाले बच्चे होते हैं, जो अग्रेसिव बच्चे होते हैं, वे कुछ करते हैं ऐसा निकल के आया है, क्योंकि वे पैटर्न को ब्रेक करते हैं। यहाँ से दोस्तों कंक्लूजन में आपको ये देने के लिए जा रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम तक चलता है दोस्तों, हर एक स्टेज में। जॉब पे भी दोस्तों ऐसी है, जॉब पे क्या है कि दो ही एम्प्लॉय होते हैं तो एक एम्प्लॉय क्या करता है, बॉस से अच्छी रिलेशनशिप बनाने का रखता है। अब इसके लिए बहुत अच्छे बुरे वर्ड भी है, मैं उस पर नहीं जाता, कहना यह चाहता हूँ कि एक स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं किसी भी पोजिशन पे, किसी भी जगह पे, कि मैं दूसरों की नजरों में अच्छा होना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी में अच्छा होना चाहता हूँ। आज आप देखिए जो बच्चे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में फंसे हैं ना, वे इसीलिए फंसे क्योंकि उनके पेरेंट्स स्टेटस गेम में, कि मेरा बच्चा यदि कुछ और करेगा कि नहीं करेगा यह पता नहीं है, लेकिन स्टेटस नहीं गिरना चाहिए, सोसाइटी में स्टेटस नहीं गिरना चाहिए। मिडिल क्लास की दोस्तों बात बता रहा हूँ, ये बात आप ध्यान से सुनिए, बात ये होती है मिडिल क्लास पेरेंट्स की उनके बच्चों को लेकर, कि मेरा बच्चा यदि लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करेगा ना चलेगा, मेरा बच्चा लाइफ में यदि कुछ बड़ा नहीं करेगा ना चलेगा, लेकिन यहाँ पे असफल नहीं रहना चाहिए, मीडियोकर कुछ कर लेगा चलना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में मिडिल क्लास बीच में एक स्टेटस बन जाए, एक नौकरी मिल गई चल अच्छा है, नौकरी मिल गई। दोस्तों देखिए ये दुनिया में स्टेटस की इतनी वो हो चुकी है, आज एक नौकरी को अच्छा माना जाता है दोस्तों, नौकरी को डिकोड कीजिए इस वर्ड को, नौकरी मतलब दोस्तों नौकर, आज के टाइम पे नौकर को अच्छा माना जाता है, इस लेवल तक सोसाइटी दोस्तों चली गई है, नौकर को अच्छा। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये स्टेटस गेम के कारण हो रहा है। इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अमीर लोग होते हैं ना दोस्तों, अमीर, यहाँ पे नवल जी ने यही बात की, दो टाइप के लोग होते हैं, एक चाहते हैं वेल्थ, एक चाहते हैं स्टेटस। आप देखो पॉलिटिशियन के बच्चे देखो, आप अमीर माँ बाप के बच्चे देखो, आपको दिखेगा बिगड़े हुए दिखेगा, कहते हैं कि बिगड़े हुए बच्चे ये वो, वे बिगड़े हुए नहीं होते बॉस, उनके पेरेंट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, जो माइंडसेट होता है ना वही बच्चों पे आता है कि मीडियोकर नहीं रहना है लाइफ में, वे स्टेटस गेम पे नहीं खेलते, वे क्या खेलते हैं, वे वेल्थ गेम पे खेलते हैं। मैं आपको कहना यह चाहता हूँ, इससे एक कंफ्यूजन, किसी की नजरों में अच्छा नहीं बनना है। आप देखना दोस्तों, आप कभी शादी में जाओगे ना, दो टाइप के आपको बच्चे दिखाई देंगे, एक ऐसे सबकी नजर में स्टार बनना चाहेगी, मैं अच्छा दिखना चाहूँ, कैसे किस हिसाब से, क्या होनहार है, क्या शानदार है, एक स्टेटस, समझ रहे हो कि स्टेटस की बात, स्टेटस दोस्तों, स्टेटस का मतलब है दिखावा। रियलिटी में दोस्तों जो बंदा दिखावे के पीछे जाता है ना, दिखावे के पीछे, वह पैसा नहीं बना पाता, पैसा बनाने के लिए दिखावा छोड़ना पड़ता है, पैसा बनाने के लिए दोस्तों दिखावा छोड़ना पड़ता है,
रियल रास्ते पे आना पड़ता है। तो दो ही चीज चल रही है बस दुनिया में, मेजोरिटी स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं और जो माइनॉरिटी है वो वेल्थ के पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसका पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इसका मैं दोस्तों आपको अभी इस एज पीरियड का एग्जांपल बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे दोस्तों एक फीचर है, व्हाट्सएप पर भी है स्टेटस। देखो इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे ऐसे पर्सन को जानते हो, आपको भी पता है कि इस पर्सन की हैसियत नहीं है, फिर भी झूठे झूठे दिखा के स्टेटस डालता है। समझ रहे हो कि मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? किसी और के कार के साथ फोटो ले लिया और डाल रहा है स्टोरी कि ऐसे दिखा रहा है कि मेरी कार है, कॉलेज में गया, थोड़ा वो स्टेटस दिखना चाहिए कि अमीर है। अमीर खुद एक्चुअल में होते नहीं है, अमीर होने का दिखावा करते हैं। कहीं पर घूमने जाते तो ऐसे फोटो लेते हैं जैसे कि हम तो हर दो दिन में घूमने के लिए जाते, ऐसा दिखावा करते। तो क्या करते, एक स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं। कॉलेज में स्टेटस, कॉलेज में तो दोस्तों बहुत ही चलता है स्टेटस बनाने का गेम। कॉलेज में जो बंदा स्टेटस बनाने के गेम में फंसता है ना, वह कहीं पर कुछ नहीं कर पाता। जो मीडियो को रहता है ना, वे स्टेटस बनाने में काम नहीं करते। जो ये अच्छी खासी जॉब लेते हैं ना, वे सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं और ये खटके होते हैं। उन्हें तो कॉलेज स्टेटस छोड़ो, कॉलेज से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉलेज छोड़ के अपना काम शुरू कर देते, तो वे ही आगे जाते हैं क्योंकि वे पैसों पे फोकस करते। तो दो चीजें, स्टेटस, पैसा। स्टेटस में दोस्तों एक और चीज आती है, आपने सुना होगा कि अच्छे कपड़े पहनो ये वो तो आपका स्टेटस अच्छा दिखेगा। दुनिया में दोस्तों जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, वे कभी अच्छे से एक कह लीजिए अपना सोशल स्टेटस मेंटेन ही नहीं कर पाए। आप उनके कपड़े को देखो, उनकी बियर्ड देखो, उनके बाल देखो, तो ऐसे सब कुछ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने इस चीज पे जरूर वीडियो देखे होंगे। स्टीव जॉब्स ने दोस्तों अपनी लाइफ टाइम में एक ही कपड़ा पहना। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ टाइम में एक ही कपड़ा पहना, वो ब्लैक कलर का आता था और यहाँ पे एक ब्लू जीन्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि वे स्टेटस गेम पे नहीं थे कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छा दिखूं, वे पैसे पे फोकस कर रहे थे। आज दोस्तों मार्क जुकरबर्ग देखो, मार्क जुकरबर्ग का भी आपको सेम टी शर्ट दिखाई दे रहा था, ये भी दोस्तों सेम चीज फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका पैसों पे फोकस होता है। आज बहुत सारे पर्सन सोच रहे हो कि मुझे कभी भी कमेंट आता है कि एक ही कपड़ा है क्या, एक ही पहन के आ जाता है। ये दोस्तों मेरा स्टूडियो का वेयर, मुझे कभी सोचना नहीं होता। स्टूडियो में आता हूँ, मेरा यहाँ पे है स्टूडियो वेयर जो मैंने एक डिसाइड कर लिया है, पहन लिया, क्योंकि इनसे कोई मैटर नहीं करता। ये तो स्टेटस के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीजें दे रहा हूँ, वे दोस्तों मेरे लिए एक तरह के लिए इनडायरेक्टली मनी मेकिंग चीज है। ये चीज पे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से इस कोट को बहुत डेप्थ में यहाँ पे नवल जी ने लिखा है, फोकस ऑन मनी नॉट फोकस ऑन स्टेटस। और एट द एंड दोस्तों आपके ऊपर है, आपको स्टेटस की दुनिया में जीना है तो जी सकते हो, लेकिन क्या है पता है, स्टेटस की ये दुनिया दोस्तों डरावनी, एक हिसाब से कह लीजिए आपको जकड़े रखेगी, आपको बांध के रखेगी। लेकिन जब पैसों के पीछे जाओ, पैसे के पीछे जाओगे ना, ये फियरलेस गेम है। यहाँ पे आप किसी से डरोगे नहीं और यहाँ पे दोस्तों आप बिंदास लग जी पाओगे। चलिए दूसरी कोट की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ अ बिजनेस, यू डोंट हैव अ पाथ टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। है ना दोस्तों मजेदार कोट, पापा रिपीट कर रहा हूँ। ये दोस्तों जो कोट देने वाला बंदा है ना, एक शब्द कह लीजिए, जितना हम सोच नहीं सकते, जितना हमारे पेरेंट्स नहीं सोच सकते, जितना हमारी सोसाइटी सोच नहीं सकती ना बॉस, इतना इस बंदे ने अचीव कर लिया है। नवल जी ने इतना पैसा है इस बंदे के पास, इतना नेटवर्क का पावर है, इतना दोस्तों कनेक्शन भी है इस बंदे के पास, सब कुछ है। फिर यहाँ पे एक कोट निकला है इस बंदे से, कोट है दोस्तों, इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ अ बिजनेस, यू डोंट हैव अ पाथ टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी कि यदि बिजनेस में हो नहीं, बिजनेस का टुकड़े का ओनरशिप नहीं है, फिर आपका दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पाथवे ही नहीं है। मैं कहता हूँ ना दोस्तों, मैं ये कहता ही रहता हूँ, यदि साइड हसल भी कर रहे हो, यदि कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या ओनरशिप वाली चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ये सारी दोस्तों आज डिजिटल ओनरशिप वाली चीज है। यूट्यूब चैनल आपकी खुद की होना दोस्तों एक ओनरशिप वाली चीज है, खुद का ब्लॉग होना दोस्तों, खुद का न्यूज लेटर होना जहां पे डोमेन आपका है, पासवर्ड आपके पास कंट्रोल है, ये आपकी चीज है। बात बता रहा हूं दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल बड़ी होती है, एक यूट्यूब चैनल के पीछे दोस्तों 10-20 लोग काम करते हैं बड़ी यूट्यूब चैनल के पीछे। लेकिन सबसे तगड़ा पैसा कौन कमाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कौन करता है, जो वे यूट्यूब चैनल का ओनर होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल है, ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल पे आज आप मान के चलो 10-20 लोग काम करते हैं, घूमता कौन है दोस्तों, ध्रुव राठी, एंजॉय कौन करता है ध्रुव राठी, क्योंकि ध्रुव राठी के पास वो यूट्यूब चैनल की ओनरशिप है। न्यूज लेटर में भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मॉर्निंग ब्रू जो न्यूज लेटर है ना, $75 million में सोल्ड हो गया, एलेक्स और ऑस्टिन ने शुरू किया था। आज दोस्तों मॉर्निंग ब्रू न्यूज लेटर में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 एम्प्लॉई है मॉर्निंग ब्रू की कंपनी में, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने न्यूज लेटर ओपन किए। काम दोस्तों आज उनके फाउंडर नहीं कर रहे, आज उनके फाउंडर न्यूज लेटर नहीं लिख रहे, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया था, खुद शुरू किया था, क्यों? ओनरशिप, क्योंकि उनके पास न्यूज लेटर की ओनरशिप थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ
फ्रीलांसिंग के साथ बहुत प्रॉब्लम ही है, फ्रीलांसिंग में ओनरशिप इतनी तगड़ी नहीं है, इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ना है ना, डिजिटली काम करने की शुरुआत करोगे, ओनरशिप आपके पास रखनी है हमेशा दोस्तों। ऐसा ही काम करो जो ओनरशिप वाला हो, आपसे जुड़ा हुआ, चाहे छोटे से छोटा, जहां पे आपकी ओनरशिप होनी चाहिए। और बिजनेस में दोस्तों यहां पे ऐसा तो कह लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ने का इसलिए रास्ता हो जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है बॉस। रीजन ये है कि जो जॉब और बिजनेस को समझता है ना, वे ये रियलिटी पे आ जाता है कि जॉब और बिजनेस में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। जॉब और बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, जॉब दोस्तों एक बिजनेस का टुकड़ा है, जॉब एक बिजनेस का टुकड़ा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब का जो एग्जांपल पहले लिया वापस ले रहा हूँ एग्जांपल, यूट्यूब पे क्या होता है, एक यूट्यूब चैनल है, आप ओनर हो, आपके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, न्यूज चैनल है आपकी। अब यहाँ पे बिजनेस क्या हो गया कि आपकी चैनल है, आप चैनल ओन करते हो, और यहाँ पे जॉब क्या हो गई, जॉब ये हो गई कि आपके यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो एडिटर हो, थंबनेल डिजाइनर हो, एज अ जॉब दोस्तों आप पे पूरे बिजनेस का सिर्फ एक टुकड़ा हो, आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हो। एक और एग्जांपल मैंने न्यूज लेटर का दिया, न्यूज लेटर दोस्तों मॉर्निंग ग्रू है, मॉर्निंग ग्रू में आज 100 लोग डिफरेंट डिफरेंट न्यूज लेटर लिखते हैं, वे क्या है दोस्तों, कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, मॉर्निंग ग्रू अपने आप में बिजनेस है, न्यूज लेटर का बिजनेस है, वहां पे जो लिखते हैं वे क्या कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, लेकिन वे क्या है दोस्तों, वे मॉर्निंग ग्रू एक बिजनेस का पार्ट ही है। तो जॉब कुछ और नहीं है दोस्तों, जॉब एक बिजनेस का पार्ट है। आप बिजनेस चूज करके दोस्तों क्या कर रहे हो, आप जॉब से बड़ी चीज ही चूज कर रहे हो इनडायरेक्टली। और एक मजेदार बात आज शेयर कर देता हूं, यदि दोस्तों यहाँ पे नवल जी ने इस कोड को डाला ही है, जॉब दोस्तों एक कंपनी के लिए एक बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है। एग्जांपल दे रहा हूँ, खुद की बात कर रहा हूं, यदि आज मैं 5 बंदों को जॉब पे रख रहा हूँ, यानी कि मुझे क्या करा है, मुझे अपने प्रॉफिट में से 5 बंदों को पैसा देने का यहाँ पे लीजिए मजबूरी है, मुझे 5 बंदों को पैसा देना पड़ रहा है। सोचो कोई एआई का टूल आ गया, तगड़ा एआई आ गया, अब मुझे इस 5 बंदों की जरूरत ही नहीं है, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया ना, मुझे 5 बंदों को तो क्या नहीं देना पड़ा, पैसा नहीं देना पड़ा ना मेरे लिए, तो ये जो जॉब वाले पर्सन है खर्चा है। तो ये रियलिटी है बॉस, इसलिए बिजनेस करना है। तो यहाँ पे इसलिए नवल जी ने कहा है कि यदि बिजनेस का टुकड़ा नहीं है, तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। बिजनेस का टुकड़ा मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ने की शुरुआत। एक और दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ नवल जी का कोड है, ऑप्टिमाइज फॉर कंट्रोल ओवर मनी एंड यू विल मेक मोर मनी, ऑप्टिमाइज फॉर कंट्रोल ओवर मनी एंड यू विल मेक मोर मनी। इसका दोस्तों मतलब है कि आप कुछ ऐसी चीज ओन करो जहां पे कंट्रोल आपका हो, जॉब में कंट्रोल आपका नहीं होता है। आप नहीं कह सकते जॉब में कि 1 लाख आ रहा है 2 लाख दे दो, अदरवाइज जॉब नहीं करूंगा, तो निकल दिए जाओगे। बिजनेस में दोस्तों क्या होता है कि बिजनेस आप करते हो, कंट्रोल आपका है, बिजनेस इज इक्वल टू मनी बॉस, बिजनेस करते ही क्यों है पैसा कमाने के लिए, यानी कि नवल जी के कोड को देखिए, ऑप्टिमाइज फॉर कंट्रोल ओवर मनी। अब बिजनेस पे आपका कंट्रोल है मींस पैसे पे आपका कंट्रोल, जब पैसे पे आपका कंट्रोल है, बिजनेस पे आपका कंट्रोल है, तब ही जाके दोस्तों आप मोर मनी अर्न कर सकते हो, मोर पैसे कमा सकते हो। इसका दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं, यदि कोई बंदे की ओनरशिप है किसी बिजनेस को लेके, तो वे क्या कर सकता है, वे दोस्तों यहां पे अपना कंट्रोल है जो कैश फ्लो आ रहा है, जो यहां पे ओनरशिप है, और वे मल्टीपल कर सकता है, फ्रेंचाइजी सेल कर सकता है, तो यहां पे कंट्रोल के कारण वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या कर सकता है, लेवरेज ले सकता है अपने बिजनेस का। तो ये दोस्तों सारी चीजें, आगे दोस्तों एक और नवल जी का कोट बता रहा हूं, मेकिंग मनी इज नॉट अ थिंग दैट यू डू, इट्स अ स्किल दैट यू लर्न। मेकिंग मनी इज नॉट अ थिंग दैट यू डू, इट्स अ स्किल दैट यू लर्न। स्किल क्या है बताए दोस्तों, यहाँ पे नवल जी ने जो चीज की है ना, एक चीज की है नवल जी ने, ये स्किल बात ये कर रहे, कंक्लूजन ये है नवल जी का कि पैसा कमाने के काम को तो तुम साइड में रखो, ये एक स्किल है। और स्किल क्या है बताए, स्किल है दोस्तों काम चूज करने की। यदि आपके पास टाइम है ना बॉस, नवल जी का एक पॉडकास्ट है हाउ टू गेट रिच करके, 3 घंटे से ज्यादा का पॉडकास्ट है, वहां पे नवल जी एक ही बात करेंगे, अमीर बनना है तो कोई एक ऐसा काम चूज करो जहां पे आप लेवरेज ले सकते हो। और वे बात करेंगे, उनसे मुंह से ही सुन लेना, वे बात करेंगे कि दो ही चीज है पैसा बनाने के लिए, लेवरेज वाली चीज, आइदर कोडिंग वाली प्रोडक्ट और मीडिया बिजनेस से लेवरेज मिल जाए। इसीलिए तो बॉस मैं मीडिया बिजनेस सिखा रहा हूँ ना अपनी चैनल पे, क्योंकि लेवरेज वाला काम है, पैसा कमाना कोई काम नहीं होता है दोस्तों। पैसा कमाना एक हिसाब से सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर स्किल होती है, काम को चूज करने की स्किल होती है, यहाँ पे काम को चूज करने की, लेवरेज वाले काम को चूज करने की स्किल होती है। एक बार वापस रिपीट कर देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए बॉस ये कोट, ये लाइफ चेंजिंग कोट है सारे पैसा कमाने को लेके। देखिए लोग ना अपनी पूरी लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं, यदि रियल उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, नॉलेज नहीं मिलती ना पैसा कमाने को लेके, लाइफ टाइम दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पैसे से ही जिंदगी शुरू होती है, खत्म हो जाती है, पैसे से बाहर उठ ही नहीं पाते। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ के लिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ कोट,
मेकिंग मनी इज नॉट अ थिंग दैट यू डू, इट्स अ स्किल दैट यू लर्न. और कौन सी स्किल? कौन से काम को चूज करना है, वे स्किल जो आपको अमीर बना सकती है. रियल काम को चूज करने की स्किल, लेवरेज वाले काम को चूज करने की स्किल. चलिए लास्ट यहाँ पे सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं. कोट है नवल जी का, लास्ट कोट है, पुट योर मनी वेयर योर माइंड इज. पुट योर मनी वेयर योर माइंड इज, वहां पे पैसा डालो जहां पे आपका मगज है. बॉस इन्वेस्टिंग की एडवाइस दे रहे हैं, कहना ये चाहते हैं बॉस आपने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, क्रिप्टो रिगार्डिंग आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको माइंड में घुस ही नहीं रहा है क्रिप्टो रिगार्डिंग, फिर मत डालो पैसा वहां पे. यदि आपका स्टॉक मार्केट में दिमाग चलता ही नहीं है, चाहे पूरी दुनिया आके बोले, चाहे वॉरेन बफेट आके बोले कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, लेकिन आपका दिमाग वहां पे नहीं है, आपका मगज वहां पे नहीं है, वहां पे मत इन्वेस्ट करो. लेकिन यदि आपका दिमाग दोस्तों एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट पे, एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट पे, जहां पे आपको बताया कि इस एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट को मैं स्टोर करूंगा, जैसे कि गेहूं है चावल है, वहां पे आपका दिमाग है कि गेहूं चावल स्टोर करके मैं यहाँ पे 2 से 3 महीने में ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, फिर वहां पे आपके पैसे को डालो. मैंने एग्जांपल दिया, जहां पे आपका माइंड है बॉस इन्वेस्टिंग के टाइम पे, वहां पे पैसा डालना है, अदरवाइज पैसा नहीं डालना है. तो ये दोस्तों नवल जी की लर्निंग थी हाउ टू गेट रिच पॉडकास्ट की, 2 पार्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया. ये वीडियो से वैल्यू मिली है बॉस, कमेंट में वैल्यू वर्ड लिखो. टाइम है, देख लो ना पूरा पॉडकास्ट, मजेदार लर्निंग मिल जाएगी, और आप मेरी हर एक बात से बॉस रिलेट करोगे यदि आपने इस पॉडकास्ट को कंप्लीट किया. एक बार मैं समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, मैंने मल्टीपल टाइम दोस्तों इस पॉडकास्ट को कंज्यूम किया, क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल पॉडकास्ट है. मैं एक भी दोस्तों सेंटेंस, एक भी कोट, एक भी लर्निंग मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने मल्टीपल टाइम्स इस पॉडकास्ट को कंज्यूम किया. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित रहा.